news360.com में आपका स्वागत है। पेश है आज की बड़ी खबर। नागालैंड चुनाव पर अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं। तय समय यानी 27 फरवरी को चुनाव नहीं होने की स्थिति में राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। राज्य विधानसभा की मियाद 13 मार्च को खत्म होगी। राज्य के छोटे बड़े 11 राजनीतिक दलों ने चुनाव के बॉयकॉट का फैसला किया है। इसमें सत्तारूढ़ नगा पीपल्स फ्रंट और सरकार में साझेदारी बीजेपी भी शामिल है। उनका कहना है कि दशकों से पुरानी नगा समस्या का समाधान नहीं होने तक चुनाव में शामिल नहीं होंगे। विभिन्न नगा संगठनों के ऐलान से पहले ही सॉल्यूशन बिफोर इलेक्शन यानी चुनाव से पहले समाधान नारा दे रहे हैं। इन संगठनों ने 1 फरवरी को राज्यव्यापी बंद की भी अपील की है। केंद्र सरकार, उग्रवादी संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिलिंग ऑफ नागालैंड समेत कई संगठनों के साथ शांति प्रक्रिया में शामिल है। उनके बीच इस प्रक्रिया में मसौदा प्रस्तावों का समझौता भी हो चुका है, हालांकि इसका खुलासा नहीं किया गया है। नागालैंड में सत्तारूढ़ नगा पीपल्स फ्रंट NPF समेत विभिन्न राजनीतिक दलों ने एक अप्रत्याशित फैसले में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के टिकट नहीं बांटने और पर्चा दाखिल नहीं करने का संकल्प लिया है। राजधानी कोहिमा में सोमवार को नागालैंड ट्राइबल होजोज एवं सिविल ऑर्गेनाइजेशन की कोर कमेटी और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। पूर्वोत्तर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद।